मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रिया त्रिपाठी, प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉगर से। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज मैं आप लोगों को निमोना की रेसिपी बताने वाली हूँ। सो ज़्यादा बातें ना करते हैं, फिर चलते हैं। और ये मैंने लिया हुआ है मटर, 200 ग्राम तक ये मटर है। और ये मैंने लिया है 2 टमाटो, और ये अदरक, और ये है ग्रीन चिली, हरी मिर्च, और ये है 4 मीडियम साइज़ के आलू, और ये है धनिया। धनिया उसमें बहुत ज़रूरी है गाइस, बिना धनिया के निमोना बन ही नहीं सकता। हरी धनिया उसमें ज़रूर होना चाहिए। सो अब मैंने इतनी सारी चीज़ें ले रखी है। अब मैं इसको मटर को वॉश करूँगी और उसके बाद मैं मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। और अब मैं इसको वॉश करके ला रही हूँ। मटर को वॉश कर लिया है गाइस, और अब मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। तो चलिए गाइज, मैंने मटर ग्राइंड कर लिया है। इसको ऐसे ही हम बारीक, ज़्यादा बारीक करेंगे तो हमारा निमोना अच्छा नहीं होगा, वो अजीब सा मतलब। अब मैं रेडी करने वाली हूँ हरे मसाले, तब तक मैं अपनी गैस ऑन। सो गाइज, सबसे पहले मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मैंने कटोरी, मैंने बाउल में नहीं निकाला गाइस, मैं इसको मिक्सर के ग्लास से ही इसको कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। और ये मेरे हरे मसाले हैं, और सब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, और धनिया और लहसुन और मिर्ची, टमाटो, सब मैं एक साथ ग्राइंड करूँगी, क्योंकि हरे मसाले इसमें मेन है। हरे मसालों का होना बहुत ज़रूरी है, बिना हरे मसाले के अच्छा नहीं बन पाएगा। और धनिया थोड़ा थोड़ा फ्राई हो चुका है, बट मुझे थोड़ा सा और करना है। जब तक मेरे हरे मसाले रेडी हो रहे हैं तब तक मैं इसको फ्राई कर दूँगी। ये मैंने एक साइड में चावल बनाया है, क्योंकि निमोना बिना चावल के अच्छा नहीं लगता। जो यूपी वाले हैं उनको तो पता ही होगा, निमोना और चावल, निमोना चावल के साथ ही अच्छा लगता है ना। चाय मेरा उबल रहा है, आप देख सकते हैं। और निमोना भी शुरू हो रहा है, उबलना शुरू हो रहा है अभी। और निमोना मेरा बॉइल हो रहा है। सो अभी मैं चाय पी लेती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए निकाली है। और सब आइए, तब तक मैं, हम दोनों चाय पी लेते हैं। और हमारा निमोना बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको निमोना
नेमोने का फाइनल दिखाऊंगी बनके कैसा दिख रहा है। रेडी हो? सो गाइस, अभी मैं चाय पी रही हूँ और निमोना में टाइम लगता है, तो अभी निमोना मेरा बन रहा है। हमारा पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, और एक बार निमोना की रेसिपी आप बना के देखिए, और उन्हीं को पता होगा और बाकी और लोगों को निमोना के बारे में पता ही नहीं, निमोना क्या होता है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और सो गाइस, अब चल के देखते हैं, निमोना हमारा रेडी हो गया है, पक गया है कि नहीं, तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए गाइस, निमोना हमारा कितना ऑसम बना है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना है। और बट हम लोग निमोना ही बोलते हैं, तो देखिए कितना ही, ये रहा मेरा चावल, और जो कि लंच के लिए है। इसमें मैं गाइस मैं मेरे हस्बैंड के लिए सर्व करने के लिए दे रही हूँ कि टेस्ट करके मुझे बताओ कैसा बना है। सो गाइस, मैं मेरे हस्बैंड के लिए टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ, मैंने कहा टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, कलर कितना अच्छा आया है इसका, ग्रीन ग्रीन। और जैसे कि मैंने बताया, देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना है। और आई होप आप लोगों को ये मेरा निमोना की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।